शुक्रिया आपका। एक फिल्म थी दोराहा की बात हम कर रहे थे, तो इसका एक बड़ा अच्छा गाना था, तो वही गाना हम एक नौजवान गुलूकार हैं आलमगीर उनसे सुनते हैं, और आपकी पसंद का गाना है, तशरीफ लाते हैं आलमगीर। बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो, जिसे ढूंढा है नजरों ने वही मासूम सा दिल हो। तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो। ये तन्हाई ये बेचैनी ये मजबूरी, तमन्ना है किसी दिल में जगह मिल जाए थोड़ी सी। कोई देखे ये तन्हाई ये बेचैनी ये मजबूरी, तमन्ना है किसी दिल में जगह मिल जाए थोड़ी सी। मिले वो दिल मुझे जो प्यार के काबिल हो, मेरे काबिल हो, जिसे ढूंढा है नजरों ने वही मासूम सा दिल हो। तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो। इस हाल में देखा तो होंठों पर हंसी आई, चलो कुछ तो किसी के काम अपनी बेबसी आई। मुझे इस हाल में देखा तो होंठों पर हंसी आई, चलो कुछ तो किसी के काम अपनी बेबसी आई। मेरी हालत पे हंसते हो बड़े संदिल हो, बड़े संदिल हो, जिसे ढूंढा है नजरों ने वही मासूम सा दिल हो। तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो। गाना भी उसी अंदाज में गाया, हरकतें भी वैसी की, अब तक दिमाग में पुरानी फिल्में घुसी हुई हैं। अच्छा ये बताएं कि ये जो नई इमारत आपकी बनी है बहुत खूबसूरत सिविक सेंटर, इस इमारत में दाखिल होते ही आयतल कुर्सी लिखी हुई है, तो ये आपने उन लोगों के लिए लिखी है जो दाखिल हों या उन लोगों के लिए जो बाहर जाएं? दोनों के लिए, अल्लाह का नाम है ये सबके लिए है। एक बात और मैं आपसे पूछूंगा कि 100 साल पहले कराची को लोग कहते थे ये मच्छरों का शहर था, मगर अभी भी जरा सी बारिश हो जाती है तो दोबारा मच्छरों का शहर हो जाता है, तो इसके बारे में कुछ आप बताएं। सवाल पैदा नहीं होता बिल्कुल, मेरी बात सुने, मैं नहीं बोल नहीं सकता ना। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आजकल आप परेशान क्यों रहते हैं? मैं छोड़ो ना यार, मैं बहुत परेशान हूँ यार। तो वजह क्या है परेशानी? बहुत कंफ्यूज हूँ, छोड़ दो ना यार। मालूम तो हो आखिर। अरे भाई अब मैं तुमको क्या बताऊँ यार, पता है मेरा मेरा छोटा बच्चा नहीं है, छोटा ये तो बहुत छोटा हो गया, इतना बच्चा है ना यार, इसने एक ऐसा सवाल किया है, मेरा मेरा जो नारियल है ना ये घूम गया है। क्या मतलब? पता है मैं रात को बैठा हुआ था मेरे छोटे बच्चे के साथ, तो इसने मेरे को एक सवाल किया। क्या? मेरे को बोला कि मम्मी एक सवाल है। मम्मी? हाँ मेरा बच्चा है, मेरे को मम्मी बोले कि डैडी बोले, मेरा बच्चा है भाई। असल में मेरा बच्चा मेरे को बहुत प्यार करता है। अच्छा अच्छा, अब मैं तुमको हर बात बताऊंगा मेरी घर में पोजीशन क्या है यार। तो इसने मेरे को पूछा कि कोई ऐसे दो नाम बताओ कि जिनकी आदतें एक जैसी हो। अब मैं परेशान हूँ। ऐसे दो नाम जिनकी आदतें एक जैसी हो? बिल्कुल। तो मैं बता देता हूँ आपको। आप? हाँ क्या भाई? नादिर शाह और केडीए।
क्या बोल रहे हो काजिर भाई? नादिर शाह और केडी है? हाँ भाई, नादिर शाह को जब भी मौका मिलता था दिल्ली को उजाड़ देता था, और केडीए को जब मौका मिलता है। काजी भाई क्या गजब कर रहे हो, क्या गजब कर रहे हो? क्या नादिर शाह आ गए? अरे देखो तो सही, पीछे कौन बैठा है यार? निजामी साहब बैठे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपके घर को सब्जी मंडी समझ के बुलडोजर चला गया। आपस की अच्छा, वो राजू भाई मैंने सुना है कि आपके सुसर थे हाँ। वो जहाज चलाते थे? हाँ, बहुत जोरदार जहाज चलाते थे, पायलट थे, बहुत टॉप के पायलट थे। अच्छा, वो टॉप के जहाज चलाने वाले थे। टॉप के क्या मतलब? टॉप का हमेशा टॉप पे ही रहते थे ना। अच्छा, टॉप के सब जहाज नीचे, ये टॉप पे। अच्छा अच्छा, पर आजकल जरा छोड़ दिया ना। क्यों? चक्कर है। नहीं बताओ ना आखिर। हर बात बताऊं यार, घरेलू हर बात बताऊं मैं? अरे बताओ तो सही। ऐसी एक बेवकूफी का हादसा हो गया था, उस दिन से छोड़ दिया यार। तो आखिर मालूम तो हो। अरे यार मेरे सुसर है ना, एक दफा हेलीकॉप्टर लेके कोयटा जा रहे थे। हेलीकॉप्टर में कोयटा जा रहे? अच्छा। रास्ते में सर्दी लग गई हाँ। तो इन्होंने गलती से ऊपर का पंखा बंद कर दिया। ये समझे मैं पलंग पे सोया हुआ। अच्छा एक मेरे दिमाग में एक बात खुटकती है। हाँ, क्या? वो ये है कि मेरे को ये बताओ कि ये कपिल, कपिल क्या हो यार? हाँ वो कपिल देव। नहीं नहीं, उसको तो मैं भी जानता हूँ। कपिल नहीं, वो नहीं आता है छापों में और अखबारों में नहीं आता है कि हम खुद कपिल हो गए हैं? अच्छा अच्छा, वो खुद कपिल है भाई। अच्छा, खुद कपिल इसका मतलब ये है कि जो चीज हमारे पास नहीं है अगर वो बाहर से ज्यादा आ जाए तो हम उस चीज में खुद कफील हो गए। ओ, ये तो मेरे को भी मालूम है। लो, हाँ? मुझे भी मालूम है। जैसे आजकल हम माजरीन में खुद कफील हो गए। ये नहीं तो मेरे को मालूम है। अच्छा ये बताओ हाँ? आज रात को क्या कर रहे? नहीं आज तो मसरूफ। नहीं मतलब क्या कर रहे? मसरूफ। चलो खैर, जरा मेरे घर पे एक चक्कर लगाना। नहीं नहीं भाई, मैं नहीं आ सकता, जरा जरूरी काम है। ना ना मैं नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। नहीं मैं नहीं आ सकता। अरे यार आ जाना ना यार। भैया तुम्हारा कुत्ता बड़ा खौफनाक है। अच्छा ये बताओ काटता तो नहीं है? यही मालूम करने के लिए तो तुमको बुला रहा हूँ मैं। अरे काजी भाई बात तो सुनो। ये तो अभी अंकल आपने देखा होगा पहले हेयर ड्रेसर्स होते थे ना, तो वहाँ पर 12 तस्वीरें लगी होती थी कि कौन सा स्टाइल के बाल कटवाएंगे। इसके बाद इन्होंने 13वां स्टाइल दिया, वहीद मुराद स्टाइल। बड़ा इनका डेडिकेशन है और कंट्रीब्यूशन है इसमें। ये अंग्रेजी आपकी जेदी आती है किस, कहाँ से आप सीखते हैं सभी अंग्रेजी? ये मैंने एक फ्रेंच से सीखी थी इंग्लिश यहाँ। अच्छा ये आपने वो बात छोड़ दी कि आप शादीशुदा नहीं हैं। अंकल अब आप क्या पूछते हैं, ये बहुत दर्दनाक दास्तान है, मैं आपको क्या बताऊं अंकल? दरअसल मैं बड़ी, आप यू नो आई एम ए ब्यूटीफुल टाइप ऑफ द जनरेशन गैप। यस आई बिलोंग टू ए सीजनेबल फैमिली। मैं जहाँ गया मुझे बड़ी पॉपुलरिटी मिली। जब मैं हॉलीवुड में था आपको पता है कि बड़ी बड़ी हीरोज होती थी वहाँ पे, वो मुझसे शादी करना चाहती थी। अपनी लिजी, लिजी चाहती थी मुझसे शादी करना। लिजी कौन? लिजी नहीं जानते? एलिजाबेथ टेलर। हाँ हाँ एलिजाबेथ टेलर बहुत मेरे पीछे पड़ी थी, कहने मुझसे शादी कर ले प्लीज, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था है। फिर उसने एक दिन मुझे टेलीफोन किया, कहने मैं तो बदनाम हो जाऊंगी जेदी है, कहाँ पुटती हूँ मैं ये सोच के तन्हाई में, मेरे चेहरे पे तेरा नाम ना पढ़ ले कोई। हाय मैं की करा। अच्छा तो फिर मगर मैं शादी नहीं कर सकता था ना, फिर रिचर्ड बर्टन से मेरे ताल्लुकात खराब हो जाते। रिचर्ड बर्टन मेरा दोस्त था। फिर उसके बाद जीना लोलो ब्रिजिडा थी, वो भी मुझसे शादी करना चाहती। उसने मुझे फोन किया था कि छल्ला दे जा निशानी तेरी मेहरबानी यहाँ। फिर अच्छा, मैं नहीं कर सका, मेरे पास टाइम नहीं था ना जीना लोलो ब्रिजिडा से। अच्छा, शादी करने, नहीं मेरी बात मुकम्मल होने थी हाँ। उसके बाद एक दफा पता चला मेरे गम में बीमार हो गई है वो, बिल्कुल सूख के कांटा हो गई थी। मैं मिलने गया, मैंने देखा, मैं पहचान नहीं सका जीना लोलो ब्रिजिडा को। देखा बिस्तर पर लेटी थी बीमार, मेरे मुंह से निकला कि ये जीना क्या जीना। जी हाँ अच्छा अच्छा अंकल एक बात, एक सवाल मैं इनसे करूं हैं। एक बात बताएं, परवीन शाकिर आप पहले पढ़ाती थी ना हैं, तो आप इम्तिहान भी लेती होंगी, आप ये बताएं कभी आप खुद किसी इम्तिहान से गुजरी? जी बिल्कुल, और अपनी इसी किताब जिसकी वजह से आज अनवरसार ने बुलाया, खुशबू की वजह से। मैंने जब CSS का इम्तिहान दिया तो मेरे इख्तियारी मजामीन में एक उर्दू भी था। जब उर्दू का पर्चा सामने आया तो मेरी अपनी किताब एक सवाल की सूरत में मेरे सामने थी। अरे कमाल है, जिस जो इम्तिहान दे रही अपनी ही किताब में से इम्तिहान आ गया है। बड़ी परेशानी हुई, फिर तो तनकीब पढ़ी थी थोड़ी बहुत, उसको काम में लाई, गहराई और गिराई और खूबसूरती और नज़ाकत, रंगीन ख्याल वगैरह उसमें डाल कर मैंने मज़मून बनाया। अच्छा जेदी एक बात बताएं, आप टेलीविजन देखते?
टेलीविजन, हाँ मैं बड़े शौक से टेलीविजन देखता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। कोई प्रोग्राम पसंद है आपको? या मैं जुमेरात की सुबह की नशरियात बहुत शौक से देखता हूँ। नहीं, जुमेरात की सुबह की नशरियात नहीं आती, जुमे को आती है। जुमेरात की सुबह की नशरियात पसंद है मुझे। नहीं, आप शायद वगैरह जुमेरात को नहीं आती नशरियात। नहीं, जब ही तो पसंद है। अच्छा, एक बात मैं आपसे बात पूछूंगा कि आपको कोई गुलूकार पसंद है, क्योंकि आप तो खुद गुलूकार रह चुके हैं। देखिए, अच्छा मैं समझ गया, आप बड़े चलाक हैं, आप मेरी लड़ाई करा देना चाहते हैं गुलूकारों से, हैं इसलिए अगर किसी एक गुलूकार की तारीफ कर दूं, जैसे आपने वही साहब से भी पूछा था, मैं सुन रहा था बैठा हुआ है, आप कह रहे थे कौन सी हीरोइन पसंद है, लड़ाई करवाना चाहते हैं, अब मैं किसी एक गुलूकार की तारीफ कर दूं वो पसंद है, बाकी सब नाराज हो जाएं गुलूकार मुझसे, है ना। अब आप देखें, जैसे यहाँ हम सब बैठे, आप मुझसे पूछें कि भाई वही साहब बैठे हैं, निजामी साहब बैठे हैं, परवीन शाकिर बैठी हैं, आप इन सब में से कौन अच्छा लगता है, तो अगर मैं बता दूं तो निजामी साहब वही साहब नाराज हो जाएं। बिना